स्पेशल प्रोग्राम संविधान और भारत स्पॉन्सर्ड बाय जय सिंह कंपटीशन एकेडमी अमहा हाउस सिविल लाइंस बोदाबाग रोड रीवा। एकमात्र ऐसा संस्थान जहां लोक सेवा आयोग चयनित शिक्षक ही कराते हैं अध्यापन कार्य। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। संविधान और भारत की सीरीज में आज हम बात करेंगे शिक्षा और संस्कृत के अधिकार की, जिसका जिक्र हमारे संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। तो क्या कहते हैं ये हमारे अधिकार, राइट टू एजुकेशन और राइट टू कल्चर। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और संरक्षण होगा। हालांकि अल्पसंख्यक को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, तो सबसे पहले सवाल बनता है कि आखिर अल्पसंख्यक होते क्या हैं? कौन होते हैं अल्पसंख्यक? आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, ये टाइटल है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि भारत के नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा और राज्य द्वारा प्रोसित किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश देने पर धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। चूंकि यहाँ नागरिक शब्द लिखा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या में कहा है कि यह अधिकार आर्टिकल 29 केवल अल्पसंख्यकों को नहीं मिलेगा, बल्कि भारत के हर नागरिकों के समूह को यह अधिकार मिलेगा। आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपने पसंद की शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार होगा और साथ ही राज्य अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्था को मदद करने पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 30 में एक क्लाज है कि अगर अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्था का राज्य अधिग्रहण करेगा तो उन्हें कम से कम इतनी रकम अवश्य देगा ताकि वह अपनी दूसरी शिक्षा संस्था स्थापित कर पाए। यह अधिकार भारत में केवल अल्पसंख्यकों को है, बहुसंख्यकों को नहीं है और यह अकेला ऐसा भारत का संविधान है जिसमें अल्पसंख्यकों को वो सुविधाएं हैं जो बहुसंख्यकों को नहीं मिली हुई है। तो आपको बता दें कि कहीं भी हम चले जाएं या जिसकी संख्या कम होती है और इसी कारण से उन्हें कुछ बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं। इसका कारण यह होता है कि अधिक मेजोरिटी के लोग उन्हें दबा ना सकें और उन्हें कुछ छूट भी दी गई है। देश में अल्पसंख्यक दो तरह के होते हैं। पहला, धर्म अगर कहीं पे भी 10% से कम है तो उसे माइनॉरिटी में गिना जाएगा। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक पूरे देश में नहीं कहा जा सकता, ना ही किसी राज्य में। नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक में आते हैं क्योंकि वहाँ क्रिश्चियन की संख्या बहुत अधिक है। दूसरा, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक, जैसे कि बिहार जैसे राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों की संख्या कम है, इसलिए उन्हें भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक माना जा सकता है। तो कहा गया कि किसी अल्पसंख्यक व्यक्ति को केवल उसकी संस्कृति के आधार पर या भाषा के आधार पर हम कहीं जाने से या शिक्षा लेने से नहीं रोक सकते, जैसे कि उर्दू बोलने वाले लोग। हालांकि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं उर्दू के जिसे हम उपयोग करते हैं, जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि मुझे पानी चाहिए। एक पानी एक उर्दू शब्द है जिसका शुद्ध हिंदी होता है जल। कपड़े शब्द का हम उपयोग करते हैं जिसका शुद्ध हिंदी होता है वस्त्र, किंतु हिंदी अनजाने जाने अनजाने में हम उपयोग करते हैं उसे छोड़ दिया जाए तो भाषा के आधार पर हम उसे नहीं रोक सकते। इसके बाद लिपि के आधार पर, यहाँ पे भी एक सवाल बनता है कि आखिर लिपि क्या होती है। तो आपको बता दें कि जैसे कि हिंदी एक भाषा है लेकिन उसकी लिपि देवनागरी मानी जाती है, उर्दू एक भाषा है लेकिन उसकी लिपि खरोष्ठी होती है। इसमें सबसे बड़ा जो अंतर होता है वो ये होता है कि देवनागरी को हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं लेकिन खरोष्ठी को हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं और रोमन को हम ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। तो इस तरह लिखने की शैली के आधार पर हम किसी को भी नहीं रोक सकते हैं। तो लिपि के बाद आता है धर्म के आधार पर।
किसी को भी नहीं रोका जा सकता और ना ही जाति के आधार पर किसी को कहीं जाने से, स्कूल जाने से, शिक्षा लेने से हम नहीं रोक सकते अल्पसंख्यक वर्ग को। वही अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार देता है, अर्थात कोई भी मदरसा, स्कूल या संस्कृत विद्यालय अगर खोलना चाहे तो खोल सकता है। और बड़े पैमाने पर मदरसा और संस्कृत विद्यालय जो खुली हुई हैं वो इसी के आधार पे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल प्रोग्राम संविधान और भारत, स्पॉन्सर्ड बाय जे सिंह कॉम्पिटिशन अकेडमी, अमहा हाउस, सिविल लाइंस, बोदाबाग रोड, रीवा। एकमात्र ऐसा संस्थान जहां लोक सेवा आयोग चयनित शिक्षक ही कराते हैं अध्यापन कार्य।